हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीपीएस के सेटिंग के बारे में। दोस्तों टीपीएस को लेके ना अलग अलग जब हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो अलग अलग डिटेल जो है वो देखने को मिलती हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं टीपीएस के डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, उसके वर्किंग के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से उसको सेट किया जाता है वो बात करेंगे, एंड दोस्तों आइडियल सेटिंग क्या होती है ना वो भी करके दिखाएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों आपको डिटेल दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने टाइम टाइम आ सके। दोस्तों पहले तो बता दूं कि टीपीएस होता क्या है। दोस्तों थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर बोला जाता है इसको, थ्रोटल एक्सीलेटर जिसको बोला जाता है, ये रहा आपका थ्रोटल, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन होता है उसका सेंसर जो है यहाँ लगा हुआ है। अब इसको कैसे पता चलता है, जब भी आप देखेंगे कि एक सिंगल वायर जो है आपके थ्रोटल में से आ रही होगी, यहाँ जो बीच में जो है टैंक के बीच में जो है इसका जॉइंट होता है, टी जॉइंट टाइप का होता है, वहाँ से आगे जाके दो वायर हो रही होती हैं, तो सिंगल वायर मत लगाइए। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि थ्रोटल का सिंगल वायर है, सिंगल वायर ही नीचे तक लगा के सिर्फ यहाँ पर जो है कार्बोरेटर में सिंगल वायर लगा देते हैं। जितने भी BS4 और BS3 व्हीकल्स हैं मैंने कुछ में देखा हुआ है कि सिंगल वायर ही होता है, TPS की वायर जो है नहीं देते हैं। तो सिंगल वायर नहीं है, आगे जाके जो है दो वायर होती हैं, ठीक है। वो थंडरबर्ड हो, चाहे इलेक्ट्रा हो, स्टैंडर्ड हो, कोई मॉडल हो, TPS जो रहता है वो सभी में रहता है, ठीक है। UC इंजन में TPS इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। तो आगे जाके दो वायर हो जाती हैं, एक वायर जो है कार्बोरेटर जाती है और एक वायर जो है आपके TPS में जाती है। TPS का थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर जो है, जैसे ही आप एक्सीलेटर फुल करेंगे ना तो यहाँ पर आप दो मोमेंट देख रहे होंगे, एक आपको कार्बोरेटर में दिखाई देगा और एक ऊपर आपको यहाँ पर TPS में दिखाई देगा। तो ये दो मोमेंट होना सही है। अभी कार्बोरेटर की सेटिंग तो हम कर देते हैं, RPM के स्क्रू को सेट करके हम कर देते हैं, बट हम कई बार ना ये TPS की सेटिंग है वो चेक नहीं करते, ठीक है। और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो एक पर्पस से दिया हुआ है। आपके थ्रोटल का जो पोजिशनिंग डिटेल है एक तरह का स्विच वर्क करता है जब आपका थ्रोटल जो है वो नॉर्मल में होता है और मैं उसको जब थ्रोटल फुल करता हूँ तो एज अ स्विच वर्क करके आपके CDI को ये डिटेल देता है, ठीक है। यहाँ पे CDI है, आपके टूल बॉक्स में CDI होता है, एक मिनी ब्रेन मान लीजिए आप बाइक का, जो कि आपका जो है कंप्लीट इग्निशन सिस्टम जो है वो रन करता है, ठीक है। बेसिक लेके चलेंगे, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इसको। तो इसकी सेटिंग जो है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं दिखाऊंगा उसका कि उसमें एक येलो पॉइंट होता है, जब आपका फुल थ्रोटल होना चाहिए ना, फुल थ्रोटल जब आपने फुल एक्सीलेटर किया हुआ है तो वो येलो लाइन जो है वो एकदम एज पे होनी चाहिए, सेंसर के एज पे होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा अंदर या ज़्यादा बाहर है ना तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि या तो स्विच पहले कट ऑफ हो जाएगा एंड स्विच जो है फिर कट ऑफ नहीं होगा, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना वो देखने वाला। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, क्लोज करता हूँ एंड फिर हम बात करते हैं। सेटिंग जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ये जो आप तो येलो डॉट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये येलो डॉट और ये येलो लाइन जो है इसके पूरा बाहर नहीं होना चाहिए, ये पूरा बाहर येलो लाइन जो है पूरी बाहर नहीं होना चाहिए। ये सेटिंग परफेक्ट होती है, तो उस तरह से आप अपनी सेटिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप खींचिए एंड ये जो नट है आप पूरा टाइट करिए यहाँ पर, एंड देन थ्रोटल देखिए, देखिए वो पूरा येलो लाइन जो है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपकी सेटिंग ऐसे है तो मतलब वो परफेक्ट है और वो परफेक्टली वर्क कर रहा है आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर, तो आप इस ये सेटिंग अपनी गाड़ी में बार जरूर चेक करें। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से आप TPS की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों TPS की सेटिंग जो है येलो जो मार्क है ना वो एकदम एज पे होना चाहिए, जब आप फुल थ्रोटल कर लेते हैं तो एज पे हो जाना चाहिए, आराम से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं घर पे भी, एंड ना वो बाहर ज़्यादा होना चाहिए ना वो अंदर ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है वो सेटिंग आइडल सेटिंग कहलाएगी, एंड CDI जो है जो मैंने आपको दिखाया वो भी उसको प्रॉपर आइडिया होगा कि आपका थ्रोटल का क्या पोजीशन है एंड किस तरह से है इग्निशन को मैनेज करना है। तो पूरा जो इग्निशन मैनेज करता है, जो इग्निशन का बोलते हैं मिनी ब्रेन जो है आपके बाइक का, वो CDI होता है, तो उसको पूरा कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए जिससे कि आपका कंबशन जो है प्रॉपर मिले। अगर TPS की सेटिंग प्रॉपर नहीं होती तो कई सारे मैकेनिक्स ऐसा कहते हैं कि आपकी बाइक की पिकअप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, प्रॉपर नहीं मिल पाएगी आपको, जो बैक है वो मारती है बाइक और कंबशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इजी सेटिंग है, जब भी आप थ्रोटल केबल चेंज करें तभी आपको ये करना है, अदर बार बार करने की जरूरत नहीं होती, ये वन टाइम वर्क है, ठीक है। इवन RPM का जो है वो भी वन टाइम सेटिंग ही होता है, अगर आप प्रॉपरली सेट कर दें तो आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कई लोग क्या होता है, अभी इसमें क्या होता है कि कई लोग इसको इग्नोर करते हैं और सिंगल वायर लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल मत करिए दोस्तों, ठीक है।
TPS एक वर्किंग के लिए दिया हुआ है, चाहे वो फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक हो, चाहे वो कार्बोरेटर वाली बाइक हो, थ्रोटल का पोजीशन जानना जरूरी होता है। एज अ स्विच जो है इसमें दिया होता है, FI में जो वर्किंग होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं एंड इस डिटेल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा TPS के बारे में, और आपने सेटिंग नहीं देखी है तो अपनी बाइक की सेटिंग देख लीजिए। अब एक और चीज़ में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर मैंने TPS का वायरिंग निकाल दूँ तो ऐसा नहीं कि जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा, बट जो CDI है उसको सारे नंबर्स डिटेल्स नहीं मिल पाएंगे, समझ गए। तो जब सब कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो ऐसा चीज़ नहीं करना है। प्रॉपर जो है डिटेल जो है आपकी बाइक का CDI तक मिले, जो कि आपके कंबशन को, जो कि आपके पूरे इग्निशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसको अगर प्रॉपर नंबर मिलेगा तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप मैंने मैक्सिमम डिटेल कवर कर दी होगी। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके आते रहेंगी। बाय।